अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब? ठीक ठाक है? नया दिन नया व्लॉग, आप सबको मेरे व्लॉग में वेलकम है। तो यहाँ पे मेरे किचन को मैंने उठते साथ ही सारा क्लीन कर दिया था और सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। अपनी जगह पर मैंने ये बर्तन सारे रख लिए थे। और व्यूअर्स, मेरे पास मैट बिल्कुल भी नहीं है, सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था और बाकी जो पानी था उसको मैंने वाइपर कर दिया। सारे सिंक को मैंने साफ़ किया है, काउंटर टॉप को भी मैंने धो लिया था सर्फ से। तो यहाँ पे हमारी जो किचन की थी पूरी सफाई हो चुकी थी, डीप क्लीनिंग मैंने की थी और किचन को मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। मुझे साफ़ सुथरा किचन बहुत पसंद है। जब भी मैं कोई चाय बनाऊँ या सालन बनाऊँ उसके साथ साथ मैं अपने किचन को भी समेटती रहती हूँ और सफाई करती रहती हूँ, और करना चाहिए। आपका काम जो होगा फिर वो ज़्यादा नहीं होगा। जब तक कि मेरे कोई चाय बन रही थी मैंने आगे पीछे सारी सफाई कर ली थी। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे दो मग्गे, एक मेरे हस्बैंड की और एक मेरी। लोगों ने सुबह की चाय पी ली थी, बाकी के आखिरी सारे बर्तन भी मैंने धो लिए थे। तो यहाँ पे चाय में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका था, बिल्कुल चाय कड़क हो चुकी थी। और फिर मैंने इसके बाद आटा गूंदा। आटे गूंदने के बाद फिर मैंने सारी रोटियाँ बनाई। दोपहर की रोटी मैंने बनाई और दाल को मैंने पहले ही भिगो दिया था ताकि दाल अच्छी तरह से सो जाए पानी में। आधा घंटे पहले मैंने दाल को भिगो दिया था। और फिर उसके बाद जब चाय पीने के बाद मैं फारिग हुई, फिर मैं दोबारा किचन में आई और उसके बाद मैंने प्याज काटे, लहसुन कूटा और दाल बनाना स्टार्ट कर दिया था। और बिस्मिल्लाह से मैं शुरू करती हूँ। जब भी मैं कोई काम करूँ तो मैं अपने दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, चाहे मैं रोटी पकाऊँ या सालन बनाऊँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके बाद बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती। अभी तो व्यूअर्स मुझे बहुत आदत हो गई दुरूद शरीफ पढ़ने का, उससे किचन में बड़े बरकत होते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया था दाल के लिए और ये टमाटर जब मैंने बॉयल किए हुए थे उसको सेव किए तो मुझे बड़ा काम आया है। आप यकीन करें ये टमाटर मेरे बिल्कुल माशाल्लाह से ज़ाया नहीं हुए। तो यहाँ पर मैंने दाल में अच्छे खासे टमाटर डाले थे और दाल को मैंने दो तीन दफ़ा पानी से वॉश कर लिया था और ये बहुत मज़े की दाल बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और इस दाल के साथ फिर मैंने बच्चों के लिए पराठा भी बनाया था। और पराठे के साथ जब ये दाल माश की दाल लेंगे तो बहुत यम बन के तैयार हो जाता है। तो ये टमाटर बेहद आसानी कर देता है। अगर आप लोग फ्रिज के डब्बों में टमाटर को छोड़ देंगे उसमें सारा फंगस लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी दाल को भी बना लिया था और उसके बाद फिर मैंने किचन को धोया, किचन को सारा मैंने वाइपर किया, किचन मेरा अच्छी तरह से साफ़ हो गया। जब किचन सूख गया फिर मैंने बड़ी रोटियाँ पकाना स्टार्ट कर दी थी। और हर चीज़ के साथ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा आदत हो गई बिस्मिल्लाह की, दुरूद शरीफ की, आयत करीमा की, बस मैं पढ़ती रहती हूँ। जब भी मैं काम करूँ मैं अकेली होती हूँ, बच्चे मेरे सारे स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेली होती हूँ बस। यहाँ पे फिर दोपहर का टाइम हो चुका था, दाल तो हमारी तैयार हो गई थी और मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। बड़ी रोटियाँ मैं बनाती हूँ बड़े तवे पर। तो यहाँ पर हम लोग की दाल रोटी सब कुछ हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।